हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आज आपको बताऊंगा बैटरी और सेल के बारे में। बैटरी क्या होती है, उससे पहले हम जानेंगे दोस्तों इसका आविष्कार किसने किया। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी का आविष्कार एक भौतिक वैज्ञानिक जो साथ साथ एक केमिस्ट थे, उनका नाम एलेक्जेंड्रो वोल्टा था, जिसे हम वोल्टा कहते हैं। दोस्तों, सेल और बैटरी के बीच क्या अंतर है? सेल एक इकाई उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि बैटरी सेलों का समूह है। बैटरी की तुलना में सेल सस्ती होती है। आइए दोस्तों, हम पढ़ेंगे अब सेल के बारे में। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल तथा सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है? ये सेल ऐसे होते हैं जिसका यूज हम एक बार ही कर सकते हैं, जैसे घड़ी तथा रिमोट में डालने वाले सेल, जो प्राथमिक सेल को रासायनिक पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा का पूरा उपयोग कर लेने पर वह खत्म हो जाता है तो विद्युत धारा बनना बंद हो जाती है। यदि हम चाहते हैं कि प्राथमिक सेल फिर से काम करना स्टार्ट कर दे तो हमें उस सेल में नया रासायनिक पदार्थ डालना पड़ेगा। हम इसे आवेशित नहीं कर सकते। प्राथमिक सेल डेनियल सेल, वोल्टी सेल और लैक्रांसे सेल प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, द्वितीयक सेल क्या होता है? यह सेल एक बार उपयोग में लिए जाने के बाद पुनः आवेशित हो जाता है और उपयोग में लिए जाते हैं। यह सीधे विद्युत से आवेशित हो सकते हैं। द्वितीयक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रख लेते हैं और फिर बाद में उसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल कर हम उसका उपयोग करते हैं, जैसे इन्वर्टर वाली बैटरी और मोबाइल फोन की बैटरी। दोस्तों, द्वितीयक सेल की लागत बहुत ज़्यादा आती है। यदि हम 3.7 वाट की प्राथमिक सेल लेते हैं तो हमें 10 रुपये में मिल सकता है और द्वितीयक सेल लेना चाहेंगे तो यह कम से कम 200 रुपये में मिलेगा। विद्युत सेल का उपयोग हम निम्न उपकरणों में करते हैं, रेडियो, विद्युत टॉर्च, कैलकुलेटर, टीवी का रिमोट कंट्रोल, घड़ी, मोबाइल फोन, बच्चों की स्वचालित खिलौनों में हम इसका उपयोग करते हैं। सेल से बैटरी कैसे बनती है? सभी प्रकार के सेलों में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल तथा निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड और निगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। बैटरी बनाने के लिए एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव से जोड़ा जाता है। एक सेल 2 वोल्ट का होता है। अगर हमें 12 वोल्टेज की बैटरी बनानी है तब हम 2 वोल्ट की 6 सेल को आपस में जोड़ देते हैं। बैटरी व्हाट इज ए बैटरी? इलेक्ट्रिकल बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल पाते हैं। बैटरी से मिली इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में होती है। टाइप ऑफ बैटरी, जैसा कि हमने पहले बताया कि सेलों से जोड़कर ही बैटरी बनाई जाती है। सेल 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए बैटरी भी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी सेल तथा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी बैटरी का उपयोग जहां हमको कम शक्ति
की जरूरत होती है वहाँ हम उपयोग करते हैं, जैसे टीवी का रिमोट, घड़ी इत्यादि। इनको हम रोजाना भाषा में सेल भी कहते हैं। प्राइमरी बैटरी कई साइज में आती है, जिस प्रकार से हमें आवश्यकता होती है हम उस साइज की बैटरी का उपयोग करते हैं। इन बैटरी का उभरा हुआ भाग जो पॉइंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। प्राइमरी बैटरी का प्रकार एल्काइन एंड कार्बन बैटरी, लिथियम बैटरी, मर्करी बैटरी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, जिंक एयर बैटरी, ये सारे बैटरी प्राइमरी बैटरी के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी बैटरी के फायदे, इन बैटरी में पैसे काफ़ी कम लगते हैं, यह काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है, इनमें काफ़ी समय तक बिना उपयोग करे एनर्जी स्टोर रहती है। दोस्तों, प्राइमरी सेल से क्या नुकसान होता है? प्राइमरी बैटरी के एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद इनको वापस से चार्ज नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी बैटरी के टाइप लेड एसिड जेल, लिथियम आयन, निकिल कैडमियम, निकिल मेटल हाइड्राइड। दोस्तों, सेकेंडरी बैटरी के फायदे, यह लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। दूसरा, इनके डिस्चार्ज होने पर इन्हें आसानी से चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों, सेकेंडरी बैटरी के क्या नुकसान हैं? पहला, प्राइमरी बैटरी से इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। इनको चार्ज करने के लिए हमें डीसी चार्जर की ज़रूरत होती है। आज के आधुनिक ज़माने में हर जगह बैटरी की मुख्य भूमिका रहती है। सभी प्रकार के गाड़ियों में, जैसे मोटरसाइकिल, बस, ट्रक और बड़े बड़े इंजन को भी स्टार्ट करने में भी सेल्फ का उपयोग होता है। इस सेल्फ को घुमाने के लिए हमारे बैटरी में काम आती है, जिससे इंजन स्टार्ट होता है। इसके अलावा गाड़ियों में लाइट और हॉर्न बजाने के लिए भी बैटरी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा पेट्रोल इंजन को चलाने के लिए इंजन के अंदर पेट्रोल को जलाना होता है। पेट्रोल जलाने के लिए हमें चिंगारी की आवश्यकता होती है, यहाँ भी बैटरी का उपयोग होता है। इसी तरह बैटरी बहुत उपयोगी होती है। दोस्तों, सेकेंडरी बैटरी का उपयोग गाड़ियों में अत्यधिक होता है। सेकेंडरी बैटरी की खास बात यह है कि हम इन बैटरी को बार बार चार्ज कर सकते हैं। बैटरी बनाने के लिए एक सेल पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल तथा दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ा जाता है। एक सेल 2 वोल्ट का होता है। अगर हमें 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है, तब हम 2 वोल्ट के 6 सेल को आपस में जोड़ देते हैं। इसके बाद सभी जोड़े गए इसके बाद सभी जोड़े गए सेलों में पहले वाले सेल का पॉजिटिव और सबसे लास्ट वाले सेल का नेगेटिव पॉइंट को बाहर रखते हैं, जिसे हम कनेक्शन के लिए उपयोग में लेते हैं। इन्हें हम पॉजिटिव तथा नेगेटिव भी कहते हैं। इस तरह हमारी बैटरी बन जाती है। दोस्तों, हाउ मेक बैटरी, बैटरी कैसे बनती है? सभी बैटरी हमेशा छोटे छोटे सेलों को सीरीज में जोड़कर बनाई जाती है। यह एक सेल 2 वोल्टेज के होते हैं। जी, हमें जितने वोल्टेज की बैटरी चाहिए, हम उसके अनुसार सेलों को सीरीज में जोड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया है
कि ड्राई सेल बैटरी का उपयोग करके कैसे लाइट बल्ब को जलाया गया है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं। इसके सारे पार्ट को दोस्तों दिखाया गया है। देखिए, कैथोड जो ब्लैक रॉड होती है उसे कैथोड कहते हैं, तथा सेपरेटर जिंक जो नेगेटिव टर्मिनल है दोस्तों, और इस तरह ये सीरीज कंप्लीट की जाती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली बैटरी लेड एसिड बैटरी होती है। इसका आविष्कार 1859 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने गेस्टन प्लैनेट ने किया था, जिसे बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। लेड एसिड बैटरी एक सेकेंडरी सेल टाइप की होती है, जिसे हम बार बार इस्तेमाल करके रिचार्ज कर सकते हैं, इसलिए इसका काफ़ी समय से उपयोग किया जाता है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। जितने भी वाहन होते हैं उनमें लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेड एसिड बैटरी के भाग दोस्तों, फर्स्ट भाग है कंटेनर, दूसरा प्लेट, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर, सेल कवर, सेल कनेक्ट, सीलिंग कंपाउंड। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर एक पॉजिटिव टर्मिनल तथा दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। उसके बाद बाहर एक कंटेनर होता है जिसके अंदर लेड ऑक्साइड के पार्ट लगे होते हैं, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि सेल एक प्राइमरी सेल है। सेल से मिलाकर ही बैटरी को बनाया जाता है।